क्या है मन्नत मांगने का सही तरीका, कैसे पूरी होती है आपकी हर मनोकामना, ऐसे चमकेंगे आपकी किस्मत के सितारे। उर्दू शब्द मन्नत या मुराद को अंग्रेजी में विश और हिंदी में मनोरथ एवं कामना कहते हैं। मनोरथ इच्छा कामना मांगने का प्रचलन भारत में प्राचीन काल से ही रहा है। मन्नत मांगना जीवन को बेहतर बनाने की एक प्रक्रिया है। मन्नत के महत्व को समझना जरूरी है। मन्नत ईश्वर, देवी या देवताओं के प्रति आस्था और समर्पण का भाव दिखाता है। जैसे संतान अपने माता पिता से अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपना अधिकार मानकर मांग करते हैं, ऐसे ही भक्त उस परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करता है और वह मानता है कि वे सभी मेरे अच्छे या बुरे कर्मों को देख रहे हैं। शास्त्रों में कर्म योग, ज्ञान योग के अलावा भक्ति योग का भी महत्व है। हमारे देश में मन्नतें मांगने और उसके पूरा होने के लिए जितने प्रयास और कयास लगाए जाते हैं, उतना किसी और देश में शायद ही कहीं होता होगा। तभी तो मंदिरों के साथ ही समाधि और दरगाहों पर भी लोग माथा टेकने जाते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या उनकी मन्नत पूरी होती है और क्या देवी देवता किसी की मन्नत पूरी करते हैं। आइए जानते हैं कि क्या है मन्नत मांगने का सही तरीका। मन्नत एक विशेष कार्य सिद्धि के लिए एक विशेष संकल्प होता है, जिसे किसी भी देव मंदिर में देवता को साक्षी मानकर अथवा मन ही मन सच्चे मन से अपने घर पर जब चाहे चलते फिरते ही संकल्प लिया जा सकता है। इसमें दो तरीके होते हैं। प्रथम यह है कि जिस देवी देवता, गुरु आदि के प्रति श्रद्धा हो, जिसकी मान्यता हो, उसका ध्यान कर उनसे प्रार्थना की जाती है। मेरा अमुक कार्य होने पर मैं अमुक कार्य करूंगा, जैसे नंगे पैर पैदल चलना, सिर मुंडवाना, कोई भी दुर्व्यसन छोड़ देना, सवा मणि का प्रसाद करना आदि कुछ भी संकल्प लिया जा सकता है। दूसरा तरीका नित्य नियम पूर्वक एक निश्चित अवधि तक लिया गया संकल्प होता है, जैसे अमुक कार्य की सफलता के लिए 11, 21, 41, 51, 101 दिन तक नित्य नियम पूर्वक कोई पाठ पूजा करना, किसी मंदिर में दीपक करना, मंदिर में परिक्रमा करना आदि किया जाता है। पहले तरीके में आपको आपके इष्ट पर निर्भर रहना पड़ता है। जब इष्ट कृपा से कार्य सिद्ध हो जाता है, तब जैसा संकल्प किया जाता है उसे पूर्ण कर दिया जाए। संकल्प पूर्ण न करने पर स्वयं को व आगे की पीढ़ी को कष्ट हो सकता है, देव बाधा उत्पन्न हो सकती है, जिससे जीवन में उन्नति रुक जाती है। दूसरे तरीके में नियम पूर्वक लिया गया संकल्प पूर्ण कर दिया जाए, तब उस समय अवधि के दौरान मनचाही कार्य सिद्धि हो सकती है। किसी कारण से न हो तो हताश न होकर पुनः प्रयास करें और जब तक सफलता न मिले तब तक करते रहें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इस संकल्प की सिद्धि आपकी मेहनत और श्रद्धा विश्वास पर निर्भर करती है। जो लोग ये कहते हैं कि देवी देवता किसी को कुछ नहीं देते, जो कुछ मिलता है वह अपने पुण्य से ही मिलता है, वे कर्म और पुण्य के सिद्धांत के अलावा कुछ नहीं जानते। ये कहना कि कोई भी शक्ति केवल निमित्त बन जाती है कुछ हद तक सही हो सकता है। कुछ लोग इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं। उनके अनुसार मन्नत पूरी होने का एक विज्ञान भी है। दरअसल आकर्षण के नियम के अनुसार हम जिस चीज को चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि आपकी चाहत कमजोर या उसके प्रति आप में विश्वास नहीं है तो वह कभी भी नहीं मिलेगी। आपकी सोच पर भी निर्भर करता है। आकर्षण का नियम ये कहता है, नहीं मांगोगे तो नहीं मिलेगा। बच्चा भी जब रोता है तभी उसे दूध मिलता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आज आप जो भी हैं वह आपके पिछले विचारों का परिणाम है। विचार ही वस्तु बन जाते हैं। उनका सीधा सा मतलब है कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही भविष्य का निर्माण करते हैं। इसे आज का विज्ञान आकर्षण का नियम कहता है। संसार को हम पांचों इंद्रियों से ही जानते हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं। जो भी ग्रहण किया गया है उसका मन और मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।